नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एएस अकेडमी और मैं हूं आपके साथ अरविंद। दोस्तों आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग एक और दो से रिलेटेड। दोस्तों आपको जैसा कि पता है कि आज शाम से कुछ ऐसी खबरें वायरल हो रही हैं कि व्यापम बंद हो रहा है तो मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती पर इसका असर पड़ेगा। उससे रिलेटेड दोस्तों मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स है जिनके कमेंट्स और मैसेज अभी आना चालू हो गए थे, तो मैंने सोचा चलिए भैया सुबह तक काफी आप परेशान होंगे, इससे बेहतर है कि अभी टाइम है और टाइम रहते ही आपको वीडियो बना दूं, आपके लिए उसकी जानकारी बता दूं कि इसका व्यापम बंद होने से मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती पर क्या असर पड़ेगा, क्या असर नहीं पड़ेगा। तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये जो भ्रामक खबर है, जो गलत जानकारियां लोग आपके लिए सोशल मीडिया पर फैला रहे हैं, उन खबर से आप बिल्कुल दूर रहें, अपने आप को बचा के रखें दोस्तों, क्योंकि ये खबर कुछ भी फैलाई जा सकती है। और यदि मान लिया कि यदि व्यापम बंद हो गए, मैं आपको सीधी एक छोटे सा विश्लेषण करके हम बताएंगे कि यदि व्यापम बंद हो गया तो आखिर क्या होगा, आपको मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग एक और दो पर क्या वाकई में प्रभाव पड़ेगा। तो दोस्तों देखिएगा, व्यापम का जो काम है, व्यापम का काम है सिर्फ एग्जाम लेना। व्यापम का काम पहला एग्जाम लेना है, दूसरा है उसका काम रिजल्ट देना। व्यापम का काम कभी नौकरी देना नहीं है, व्यापम का काम कोई ज्वाइनिंग देना नहीं है। आपको पता है कि जब आपकी शिक्षक भर्ती है तो शिक्षक भर्ती आपकी कौन कराता है, एजुकेशन बोर्ड कराता है, एमपी एजुकेशन बोर्ड कराएगा। एमपी एजुकेशन बोर्ड की तो एमपी एजुकेशन बोर्ड करा रहा है, अनुसूचित जाति जनजाति डिपार्टमेंट की तो वहां से हो रही है। लेकिन इसमें एक्चुअल में व्यापम का कौन सा रोल है, मैं आपको ये समझा दूं कि व्यापम का कोई भी रोल है दोस्तों, आप लोग इस चीज को काफी परेशान हो रहे हैं कि मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती पर इसका असर पड़ेगा। तो मैं आपको बता दूं, व्यापम के बंद होने से इस पर कोई भी असर नहीं पड़ने वाला है। आज की खबर है जो न्यूज चैनल पे बता रहे थे लोग बहुत सारे सोशल मीडिया पर कि बंद हो रहा है व्यापम, ठीक है भैया बंद हो जाने दो, बंद हो गया हो जाने तो कोई दिक्कत नहीं, अपने को तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है ना, अपना तो एग्जाम हो गया, एग्जाम के बाद अपना रिजल्ट आएगा, रिजल्ट देना कोई इतनी बहुत बड़ी बात थोड़ी है, 10 दिन में तो रिजल्ट नहीं देगा ना, रिजल्ट तो बन चुका है, रिजल्ट को सिर्फ 1 घंटे में आपको पता है फॉरवर्ड किया जा सकता है, सिर्फ लिंक ओपन करना है, वो लोग ऑलरेडी सब सारी चीजों की प्रक्रिया कंप्लीट करके रखते हैं और जिस दिन उनको आदेश जारी हो जाता है कि आपको आज रिजल्ट देना है तो उस दिन उस लिंक को ओपन कर देते हैं और आपका रिजल्ट जारी हो जाता है, आप रिजल्ट देख सकते हैं। तो मेरा वही कहने का मतलब है कि आपकी मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती पर व्यापम का कोई असर नहीं पड़ने वाला है, आपकी ज्वाइनिंग मध्य प्रदेश एजुकेशन बोर्ड कराएगा, आपका एग्जाम का काम था तो व्यापम ने करा दिया, रिजल्ट का काम था तो व्यापम कर देगा, अब बंद भी हो जाएगा तो आप क्यों परेशान हो रहे हो। यदि आपको पता है अगली जो भी भर्ती होगी, कोई जो भी नियम लागू होंगे उसके माध्यम से होगी, व्यापम से आप परेशान ना रहें। तो व्यापम को मैं बता दे रहा हूं, आपको फिर भी बार बार बोल रहा हूं कि इस प्रकार की गलत जानकारी से परेशान ना रहें, व्यापम बंद भी हो जाएगा तो हो जाने दो, आपकी मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग एक दो पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इस पर कोई भी असर नहीं दिखने वाला है, क्योंकि सीधा रिजल्ट आएगा आपका, रिजल्ट के बाद आपकी ज्वाइनिंग है तो वो मध्य प्रदेश एजुकेशन बोर्ड का है, मध्य प्रदेश एजुकेशन बोर्ड है वो सारी इस प्रक्रिया को करेंगे, स्टार्ट करेंगे। ऐसा नहीं है कि व्यापम बंद होने के कारण आपकी ज्वाइनिंग नहीं होगी, आपका कुछ नुकसान होगा, तो आपका ना कोई नुकसान होने वाला है ना कोई कुछ है, तो आप चिंता ना करें। मैं आपको बता दे रहा हूं, मैंने बताया कि वीडियो नहीं बनाना था, लेकिन इसको बताना इसलिए पड़ रहा है क्योंकि मैं एक्चुअल में अभी नाइट हो गई, बताया मैं भी थोड़ा सा काम से हूं, लेकिन मैंने कहा यार आप इतने कॉल और मैसेज रिसीव नहीं कर पा रहा था, उनका रिप्लाई नहीं दे पा रहा, तो इससे बेहतर है कि एक वीडियो बना के डाल दूं तो आप सभी को उस चीज का जवाब मिल जाएगा। कि एक बार फिर से बता रहा हूं कि व्यापम बंद हो भी गया और हो जाने दो, लेकिन मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती पर 1% भी इसका असर नहीं पड़ेगा, आपकी बाकायदा ज्वाइनिंग होगी, आपका रिजल्ट आएगा, सब कुछ प्रॉपर होगा, एजटेज होगा, आपका कहीं से कहीं तक परेशान होने की आवश्यकता नहीं, आप अपना मानसिक तनाव ना बढ़ाएं, आप परेशान ना रहें। मुझे पता है कि आपका दर्द क्या होगा, मैं आपका दर्द समझ सकता हूं कि आप परेशान हैं, काफी देर से रिजल्ट का भी इंतजार कर रहे हैं, आपको सरकार भी घुमाई जा रही है और आपको व्यापम ने भी काफी घुमाया है। तो मैं बता दूं इन सब चीजों का परिणाम थोड़ा सा देर हो रहा है, लेकिन सब्र का फल मीठा होता है, तो आप लोग चिंता ना करें, अपने आप को पॉजिटिव बनाए रखें, ईश्वर चाहेगा आप सभी के साथ अच्छा होगा, आपकी ज्वाइनिंग होगी और आप एक भावी टीचर बनेंगे और अच्छे टीचर बनेंगे। ईश्वर से मेरी यही कामना है कि आप अच्छे टीचर बने, बच्चों का भविष्य बनाए, ईश्वर आपकी मनोकामना पूर्ण करे। और चलिए दोस्तों मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, गॉड ब्लेस यू और गुड नाइट। और दोस्तों इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा।